इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। मुल्क के इल्मी दानिश्वरों ने मॉब लिंचिंग पर फिक्र का इजहार करते हुए मोदी सरकार को लिखी चिट्ठी, एक ख़ास खबर। वैसे तो भारत को लेकर दुनिया भर में मॉब लिंचिंग पर फिक्र का इजहार किया जा रहा है, आलमी सतह पर भी भारत में बढ़ती शिद्दत पसंदी पर चिंता जताई जा रही है। इससे पहले भी कई मरतबा हिंदुत्ववादी सोच और फिक्र पर इल्मी दानिश्वरों ने एहतजाज भी किया था। कई सारे फिल्मी अदाकार, शायर, लेखकों ने अपने साहित्य अकेडमी के जरिए नवाजा गया एजाज यानी अवार्ड तक वापस हुकूमत को देकर अपने गम गुस्से का इजहार किया था, पर अफसोस के मोदी सरकार पर इसका कुछ भी असर होता नजर नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि हर रोज फिरका परस मजीद शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। पीएम मोदी को लिखे गए खत में कहा गया है कि अफसोस है कि जय श्री राम आज एक भड़काऊ जंगी जुमला बन गया है। राम अक्सरियत तबके के लिए मुकद्दस शख्सियत है, तशद्दुद फैलाने वाले और फिरका परस्त राम का नाम लेना बंद कर दे। भारत में जुल्म बर्बरियत की 840 वारदातें दलितों के खिलाफ हुई हैं। क्या मुअज्जिज़ वज़ीरे आज़म से सवाल पूछते हैं कि क्या कार्रवाई की गई? खत में कहा गया है कि भीड़ की हिंसा में दोषी पाए जाने वाले लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि लोगों को सबक मिल सके कि मुस्लिमों, दलितों और दूसरे अकलियती तबकों पर हो रही लिंचिंग से मुतासिर होकर फिल्मी अदाकारों समेत कई बड़ी हस्तियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और ऐसे मामलों में सख्त कदम उठाने के लिए कहा है। इस चिट्ठी में आर्ट, मेडिकल और तालीम की दुनिया की 50 हस्तियों ने दस्तखत की है। फिल्म जगत से मणिरत्नम, अनुराग कश्यप, अधूर गोपाल कृष्णन, अपर्णा और कोंकणा सेन जैसे बड़े नाम शामिल है। तो दूसरी तरफ जाने माने इतिहासकार और लेखक रामचंद्र गुहा ने भी इस पर अपने दस्तखत किए। तमाम लोगों ने इस खत के जरिए जुल्म बर्बरियत की वारदातों को रोकने की पुरजोर मांग की है। खत में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों का जिक्र किया गया है और कहा गया है कि 1 जनवरी 2009 से लेकर 29 अक्टूबर 2018 के बीच मजहब की शनाख्त की बुनियाद पर 254 जुर्म दर्ज किए गए हैं। इनमें 91 लोगों का कत्ल हुआ है जबकि 580 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। इन हस्तियों ने लिखा है, भारतीय संविधान में भारत को एक धर्म निरपेक्ष यानी जमहूरी मुल्क बताया गया है जहां सभी धर्म, मजहब, जबान, भाषा, समूह, जाति के लोगों को बराबर के हक दिए गए हैं। चिट्ठी में कहा गया है कि मुस्लिम भारत देश की आबादी के 15% हिस्सा हैं, लेकिन वह 62% जुर्मों के मुतासरीन बने हैं। चिट्ठी के मुताबिक ऐसे 90% जुर्म मई 2014 के बाद हुए जबकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी इख्तदार पजीर हुए थे। उनका कहना है कि वजीर आजम मोदी ने पार्लियामेंट में इस्तेहकाम की तनकीद तो की है लेकिन यह काफी नहीं है। उन्होंने ऐसे मामलों में सख्त सजा का मुतालबा पेश किया है। खत लिखने वाले लोगों ने जमहूरियत में इख्तलाफात की अहमियत पर भी जोर दिया है। इनका कहना है कि अगर कोई हुकूमत या सरकार के खिलाफ राय देता है तो उसे एंटी नेशनल या अर्बन नक्सल घोषित कर दिया जाता है, डर खौफ में रखा जाता है। अब हमें देखना है कि इल्मी दानिश्वर, अदाकारों और विचारवंतों की इन पुरखलुस मांग पर मोदी सरकार कितना संजीदगी से लेती है और जय श्री राम कहकर मासूमों का कत्ल करने वालों पर कानूनी कार्रवाई कितनी सख्तियों से ली जाती है या फिर वही मुजरिमों को तिरंगे की सलामी देती है ताकि देश के भाईचारे को पामाल करके तानाशाही या धर्म के नाम पर ही देश चलाने का फैसला लेती है। किसी शायर ने देश के हालात पर क्या खूब कहा है कि वक्त तानाशाह के जुल्म को नजरें नीची कर सहते रहो, वक्त तानाशाह के जुल्म को नजरें नीची कर सहते रहो, नजरें उठाकर जुबान जो खोली गद्दार लिखे जाओगे। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।